पिस्तौल भी नहीं थी तब इन्होंने किया था 300 बमों का इंतजाम। ऐसे थे क्रांतिकारी विष्णु गणेश पिंगले। गदर पार्टी के सक्रिय क्रांतिकारी विष्णु गणेश जी का जन्म जिला पुणे महाराष्ट्र में 2 जनवरी 1888 को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। विष्णु गणेश पिंगले, यह नाम क्रांतिकारियों की फहरिस्त में हीरे की भांति चमकता है। मेधावी छात्र विष्णु इंजीनियर बनना चाहते थे, परंतु विधाता ने तो उन्हें भारत माता की सेवा के लिए धरती पर भेजा था। छात्रकाल से ही उनका संपर्क राष्ट्रवादी नेताओं से हो गया और वो राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग लेने लगे। सन 1911 में वह अमेरिका चले गए और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। वहीं वह गदर पार्टी के संपर्क में आए और सक्रिय क्रांतिकारी बन गए। वहीं उनका घनिष्ठ संपर्क करतार सिंह सराभा और सत्येन सेन जैसे क्रांतिकारियों से हुआ और उनके साथ सन 1914 में वे कलकत्ता आए। विष्णु गणेश को बम तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। इन्हीं गतिविधियों के तहत 23 मार्च 1915 को उन्हें मेरठ में कैद कर लिया गया। कहा जाता है कि विष्णु गणेश के तैयार किए गए बम में एक पूरी रेजिमेंट को उड़ाने की क्षमता थी। मुकदमे में उन पर इल्जाम था कि विगत दिवसों में इस्तेमाल किए गए बम विष्णु गणेश पिंगले द्वारा ही तैयार किए गए थे। इसी वजह से नवंबर 1915 में उन्हें करतार सिंह सराभा के साथ लाहौर की जेल में फांसी दे दी गई। विष्णु गणेश पिंगले के शहीदी दिवस पर समस्त आईएमसी परिवार नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि भेंट करता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, गुड आईएमसी। जिन लोगों ने आईएमसी बिजनेस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।